मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के एक कार्टून को व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करना मुंबई के एक पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा को बेहद भारी पड़ा। बुजुर्ग मदन शर्मा को उनके ही अपार्टमेंट में सरेआम पीटा गया, जिससे उनके चेहरे और आंखों में गहरी चोटें आई हैं। पूरा मामला मुंबई के समता नगर का है। पीड़ित मदन की बेटी ने बताया कि मेरे पिता ने एक मैसेज को व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किया था। इसके बाद उन्हें फोन करके बाहर बुलाया गया और उनके साथ मारपीट की गई। उधर मारपीट के आरोप में पुलिस ने शिवसेना कार्यकर्ता कमलेश कदम समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कदम और उसके 8 से 10 साथियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। दूसरी तरफ मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ट्वीट करके कहा है कि उद्धव जी कृपया इस गुंडाराज को रोकें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक सप्ताह से भी कम समय में JEE मेन का रिजल्ट जारी कर दिया है। शुक्रवार रात करीब 11 बजे परिणाम घोषित हुए। इसमें 24 छात्रों ने 100% अंक प्राप्त किए हैं। सबसे ज्यादा तेलंगाना से 8 छात्रों को 100% मिले, उसके बाद दिल्ली के 5 छात्रों को इसमें सफलता मिली। कोरोना काल के दौरान 2 बार टली परीक्षा के लिए 8,58,000 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इसमें से 74% ही इस परीक्षा को देने पहुंचे। अब 2,45,000 छात्र 27 सितंबर को होने वाली JEE एडवांस की परीक्षा में बैठेंगे। कांग्रेस ने पार्टी में बड़े संगठनात्मक फेरबदल करते हुए गुलाम नबी आजाद समेत 4 सीनियर नेताओं को महासचिव की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। यही नहीं, पार्टी की सबसे अहम कमेटी CWC का भी पुनर्गठन किया गया है। आजाद, मोतीलाल वोरा, अंबिका सोनी और मल्लिकार्जुन खड़गे अब महासचिव नहीं है। हालांकि सोनिया गांधी को संगठन में बड़े बदलाव के लिए खत लिखने वाले 23 नेताओं में शामिल आजाद को अब CWC में जगह दी गई है। तो राहुल गांधी के वफादार रणदीप सिंह सुरजेवाला और तारिक अनवर महासचिव बनाए गए हैं। सुरजेवाला को पार्टी अध्यक्ष को सलाह देने वाली 6 सदस्यीय खास समिति में भी शामिल किया गया है। मधुसूदन मिस्त्री को केंद्रीय चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अहम ये है कि चिट्ठी लिखने वालों में शामिल जितिन प्रसाद को कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अभी तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। हालांकि इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थिति का आकलन करने के लिए एक इंटरनल सर्वे कराया है। इस सर्वे से BJP को बड़ा झटका लगा है। दरअसल BJP के इस आंतरिक सर्वे में यह बात सामने आई है कि बिहार में 15 साल से सत्ता के शीर्ष पर बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काफी अधिक है। लोग अब नीतीश कुमार को कम पसंद करने लगे हैं। उनकी लोकप्रियता में भारी कमी आई है। सर्वे के मुताबिक नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पर लोग संदेह करने लगे हैं, जिसके पीछे की वजह पार्टियों के साथ गठबंधन तोड़ना है। क्योंकि नीतीश पहले भाजपा का साथ छोड़ RJD से मिले, फिर RJD को छोड़ BJP के साथ आए। बता दी, ये सर्वे BJP के जनरल सेक्रेटरी, MLC और प्रदेश उपाध्यक्षों के 90 लोगों की टीम ने की है। खबर है कि ये सर्वे 25 से 28 अगस्त के बीच किया गया है। DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट को निर्देश दिया है कि वो वैक्सीन के फेज 2 और फेज 3 ट्रायल्स के लिए नई भर्ती को रोक दें। ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब AstraZeneca ने ऑक्सफोर्ड के COVID-19 वैक्सीन के दूसरे क्लिनिकल ट्रायल पर रोक लगा दी है, जिसके बाद भारत में भी इसे रोक दिया गया है। बता दें कि वैक्सीन पर रोक लगाने के फैसले से पहले ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के लिए भारत और चीन की सेनाओं के बीच अगले सप्ताह के शुरुआत में कोर कमांडर लेवल की बैठक होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में दोनों देशों के बीच 5 सूत्री समझौते के कुछ प्रावधानों को लागू करने पर फोकस किया जाएगा। इस दौरान दोनों देशों की सेनाओं के टकराव वाले स्थानों से पीछे हटने को लेकर उठाए गए कदमों की समीक्षा होगी। भारत का सारा फोकस फिंगर इलाके से चीनी सेना के पीछे हटाने को लेकर होगा, तो चीनी सेना का जोर बफर जोन को कायम रखने और उसमें दोनों देशों की सेनाओं की निगरानी और गश्त शुरू करने पर रह सकता है। बैठक की तारीख और स्थान फिलहाल तय नहीं है, लेकिन इसके मंगलवार को होने की संभावना है। इस बार भी बैठक भारतीय जमीन पर होने की संभावना है। कोरोना संकट के बीच 12 सितंबर से दिल्ली मेट्रो अपने पुराने रंग में लौट आई है। अब मेट्रो सेवा सुबह 6 बजे से शुरू होकर रात 11 बजे तक चलेगी। हालांकि कोरोना वायरस के चलते इसमें कई सावधानियां भी बरती जाएंगी। शनिवार को एयरपोर्ट लाइन पर ग्रीन सिग्नल मिलते ही सभी लाइनों पर मेट्रो का परिचालन शुरू हो गया।
फिलहाल अधिकांश स्टेशन के कुछ ही गेट खुलेंगे। फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा पीक और नॉन पीक आवर्स में मेट्रो सेवाएं समान रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाने वाली आयुष्मान भारत योजना को अपने राज्यों में लागू नहीं करने पर 4 राज्यों को नोटिस जारी किया है। इन राज्यों के नाम है दिल्ली, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि देश के इन 4 राज्यों में स्वास्थ्य से जुड़ी इस योजना का लाभ जरूरतमंद लोगों को नहीं मिल रहा है। बता दें कि आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलने वाले गोल्डन कार्ड की मदद से लोग देश के किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं। उनके इलाज पर आने वाला 5 लाख तक का खर्च बीमा कंपनी उठाती है। इसका कोई खर्चा गोल्डन कार्ड धारक को नहीं चुकाना पड़ता। केंद्र सरकार ने इस योजना को शुरू किया था, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राज्य में इस योजना को लागू करने के लिए साफ इनकार कर दिया था। दिल्ली, ओडिशा और तेलंगाना में भी ये योजना अभी तक लागू नहीं हुई है। इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन 4 राज्यों को नोटिस जारी किया है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने इस वित्तीय वर्ष के लिए भारत की वृद्धि का अनुमान घटा दिया है। उसने पहले इसमें 4% गिरावट का अनुमान जताया था, लेकिन अब मूडीज -11.5% गिरावट का अनुमान जता रही है। मूडीज के अनुसार इकोनॉमी और फाइनेंशियल सिस्टम में गहरे दबाव के कारण परस्पर जोखिम से राजकोषीय स्थिति और बदतर हो सकती है, जिससे क्रेडिट प्रोफाइल पर दबाव और बढ़ सकता है। एजेंसी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 10.6% की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान जताया है। देश के अधिकांश राज्यों में आपने मुख्यमंत्रियों को भारी लाव लश्कर के साथ आते जाते देखा होगा, लेकिन अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अलग ही नजीर पेश की है। उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र मुकुटो के एक दूर दराज के गांव का सफर करने के लिए 11 घंटे पैदल यात्रा की। इस दौरान उन्होंने 24 किलोमीटर के पहाड़ी रास्ते को तय किया। लुगुथांग गांव तक पहुंचने के लिए सीएम पहाड़ी इलाकों और जंगलों से होकर गुजरे, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं है। अहम बात यह भी है कि ये गांव खानाबदोश जनजाति का है और यहां की आबादी महज 50 लोगों की है। सीएम ने वहां एक ग्रामीण के घर पर ही रात बिताई। सीएम ने अपने ट्वीट में बताया कि वे सरकारी योजनाओं का लाभ दूर दराज के गांव तक पहुंचे ये देखने के लिए वहां गए थे। सीएम के साथ इस दौरान महज 1 सुरक्षाकर्मी और कुछ ग्रामीण थे।